हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं अरुण दुबे और यह है आपका प्यारा सा छोटा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं और जो न्यूमेरिकल है वह हम लोग कुमार मित्तल के बुक से सॉल्व कर रहे हैं। अगर हम बात करें कुमार मित्तल के बुक में, जो आपका फिजिक्स है वो अध्याय 10 यानी चैप्टर 10 से स्टार्ट होता है। इकाई नंबर आपका थर्ड है, यूनिट नंबर थर्ड है और जो चैप्टर है उसका नाम प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन है। इस चैप्टर के अभी तक हम लोगों ने 16 नंबर तक के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां पे जाकर के क्लिक करके आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग 16 के आगे यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 से न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, सबसे पहले थोड़ा ध्यान देंगे लेंस वाले चैप्टर में। ये लेंस के जितने भी सवाल आज हम लोग पढ़ेंगे वो लेंस से सवाल पढ़ेंगे। तो जो लेंस होगा, लेंस तो लेंस में जो फोकस दूरी आएगी, फोकस दूरी, ठीक है ना, फोकस दूरी अगर बात होगी उत्तल लेंस की, उत्तल लेंस तो फोकस दूरी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, अगर बात होगी अवतल लेंस की, अवतल लेंस आप जानते हैं कि लेंस में दो फोकस दूरियां होती हैं, एक होता है प्रथम फोकस दूरी, दूसरा होता है द्वितीय फोकस दूरी। द्वितीय फोकस दूरी को हम लोग मुख्य फोकस दूरी कहते हैं और सवाल में उसी द्वितीय फोकस दूरी की बात होती है। ठीक है, तो उत्तल लेंस की जब भी फोकस दूरी देगा तो वो हम लोग लिखेंगे पॉजिटिव, अवतल लेंस की जो फोकस दूरी देगा वो हम लोग लिखेंगे नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पे कह रहा है देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में 15 सेंटीमीटर दूरी वाले उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस है ना, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो हमने प्लस लिख दिया। ओके, अब कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब, देखिए यू हमने आपको बताया यू हमेशा निगेटिव लिया जाएगा, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, यू के मान को हमेशा ही निगेटिव लेना है, तो यू हमने क्या ले लिया, निगेटिव ले लिया। अब कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, वी इज इक्वल टू हमें बताना है, तो लेंस के लिए सूत्र हम लोगों ने पढ़ रखा है। देखिए लेंस के लिए सूत्र क्या हमने पढ़ रखा है, लेंस के लिए सूत्र हमने पढ़ रखा है कि 1/f = 1/v - 1/u होता है। ये f u v f में संबंध है ना, तो देखिए यहां से 1/f हमें किसका मान निकालना है, v का, तो 1/v, ये -1/u इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 1/f + 1/u आएगा, यानी 1/v = क्या हो जाएगा, 1/f। F की वैल्यू कितना है 15 और 1/u, u की वैल्यू कितना है -30, तो यहां से 1/v = कितना हो जाएगा, देखिए 1/15 प्लस का गुणा माइनस में होगा, -1/30 हो जाएगा। और यहां से 1/v = कितना हो जाएगा, देखिए 15 30 का एलसीएम लेंगे, लस लेंगे, 30 आएगा, 15 दूना 2 एकम यानी 2 हो जाएगा, फिर 30 एकम 30 एक हो जाएगा, यानी 1/v = 1/ क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी v = 30 सेंटीमीटर। देखिए v का मान पॉजिटिव आया है। अब जानते रहिए लेंस की बात करते हैं, तो देखिए सपोज करिए ये लेंस है, ठीक है ना, तो इस लेंस के इस साइड वाली जो दूरी होगी, इस साइड वाली दूरी, ठीक है ना, ये लेंस का मान लेते प्रकाशीय केंद्र है, तो इसके इस साइड वाली जो दूरी होगी वो प्लस लेंगे, इसके इस साइड वाली जो दूरी होगी वो नेगेटिव लेंगे, ठीक है ना, इसके नीचे वाली जो दूरी होगी, इधर वाली दूरी, ठीक है ना, नीचे वाली जो दूरी होगी वो निगेटिव लिया जाएगा, ऊपर वाली जो दूरी होगी वो पॉजिटिव लिया जाएगा। ठीक है ना, अब ध्यान से समझिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखने जा रहे हैं। अगर प्लस आया, भी का मान प्लस आ गया, प्लस आ गया, जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा, और जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तब उल्टा होगा,
ठीक है ना, वास्तविक बनेगा तो क्या होगा, उल्टा होगा। अगर भी का मान क्या आ गया, प्लस आ गया, जैसे यहां भी का मान प्लस आया है ना, पॉजिटिव आया है ना, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वह वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। अच्छा, जब प्लस आया है मतलब लेंस के इधर बनेगा कि उधर बनेगा? देखिए, लेंस के इधर तो निगेटिव, लेंस के उधर पॉजिटिव, धन आया है यानी इस साइड बनेगा, इस साइड बनेगा, उल्टा बनेगा। यानी वस्तु अगर ऐसा रखा होगा तो प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, तभी तो उल्टा होगा। देखिए, वस्तु हमने ऐसे रखा, प्रतिबिंब ऐसे बना, ठीक है ना। इसका तीर का नोक ऊपर था, तीर का नोक नीचे हो गया, तभी तो उल्टा होगा। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। अगर भी का मान निगेटिव आ जाए, भी का मान क्या आ जाए, निगेटिव आ जाए, यानी प्रतिबिंब आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, ठीक है ना। ये बातें आप याद रखिएगा, ठीक है। तो भी बराबर 30 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना, नोट कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी गई है, उसका प्रतिबिंब दूसरी ओर पर्दे पर बनता है, पर्दे व लेंस के बीच की दूरी। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चीज तो बहुत सरल है, ठीक है ना। देखिए क्या क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास, 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस है, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, सॉरी उत्तल लेंस दिया है ना, उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, तो हमने पॉजिटिव लिखा, कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर लिखा, ठीक है ना। अब कह रहा है कि उत्तल लेंस 60 सेंटीमीटर दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है, यानी वस्तु कितनी दूर रखी हुई है, 60 सेंटीमीटर। यू हमेशा निगेटिव होता है, यू कोई मान को हमेशा हम लोग निगेटिव लेंगे आपके सिलेबस में, ये जानते रहिए। कह रहा है कि उसका प्रतिबिंब दूसरी ओर पर्दे पर रखता है, मोमबत्ती, ठीक है, पर्दे व लेंस के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, हमें किसके किसके पर्दे व लेंस के बीच की दूरी निकालना है। तो देखिए, भी का मान हमसे पूछ रहा है, तो रिलेशन हमने क्या पढ़ा है बताइए, 1/f = 1/v - 1/u। यहां से हमें भी का मान निकालना है, तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/f + 1/u। अब मान रख देते हैं, तो 1/v = 1/f, f का मान है 20 प्लस 1/u, u का मान है -60, ठीक है ना। तो 1/v = 1/20 प्लस का गुणा माइनस में हो जाएगा 1/60, तो 1/v = हो जाएगा 60, 20 का एलसीएम 20, 20 तेईस 60 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 20 = हो जाएगा 1/v = हो जाएगा 2/60, सॉरी, ठीक है, 2/60 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, v = हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। लेंस और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को ही तो भी कहते हैं, तो कितना जाएगा, 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, कितना आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, सारे क्वेश्चन सरल सरल हैं, और अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए देखेंगे ना यार, पूरा का पूरा क्वेश्चन करके जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, और बिना स्किप के वीडियो को देखें, मिटा दें। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 19 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 19 है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इस लेंस के आगे 2 सेंटीमीटर लंबी एक पिन 10 सेंटीमीटर दूर रखी है, पिन के प्रतिबिंब की लंबाई बताइए। देखिए क्या कह रहा है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अब तो जान गए, 20 सेंटीमीटर। इस लेंस के आगे 2 सेंटीमीटर, यानी वस्तु की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, वस्तु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वस्तु रखी हुई है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी u बराबर कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, और u की वैल्यू हमेशा हम लोग नेगेटिव लेते हैं। फिर कहा कि पिन के प्रतिबिंब की लंबाई बताइए, यानी आई आई डैश का मान हमें बताना है। तो सबसे पहले f दिया है, u दिया है, भी निकाल लेते हैं। तो देखिए, हमारे पास क्या रिलेशन है, 1/f = 1/v - 1/u, हमें b का मान निकालना है, तो 1/v = 1/f + 1/u हो जाएगा, यही रिलेशन बार बार यूज हो रहा है। 1/v = 1/f, f की वैल्यू कितना दिया है, 20, प्लस 1/u,
देखिए u, u की वैल्यू कितना दिया हुआ है, -10 दिया हुआ है, तो 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1/20 प्लस का गुणा माइनस में होगा 1/10, यानी 1 अपॉन v इज इक्वल टू LCM लेंगे 20 हो जाएगा, 20 एकम 20, यहाँ 10 दूनी 20 हो जाएगा, यानी 1 अपॉन v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए -1/20 हो जाएगा, यानी 20 v इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। बी की वैल्यू कितनी आ गई, -20 सेंटीमीटर आ गई। ध्यान से समझिएगा, हमें अभी किसकी ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है किसकी, हमें ज़रूरत है आई आई डैस का, ठीक है ना। क्योंकि अब बताइए माइनस आ गया, माइनस मतलब आभाषी बनेगा, सीधा बनेगा, ऊपर साइड प्रतिबिंब बनने वाला है। देखिए बी का मान क्या है, निगेटिव, निगेटिव मतलब क्या है, आभाषी है और सीधा है, तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। ध्यान दीजिए प्रतिबिंब सीधा बनेगा, ऊपर साइड बनेगा, ये ध्यान दीजिएगा। हमने पढ़ा है रेखीय आवर्धन, लेंस में हमने पढ़ा हुआ है रेखीय आवर्धन, ठीक है ना। रेखीय आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर b/u। यहाँ पे ii' की वैल्यू कितना है निकालना है, ii' का मान निकालना है, बटे oo'। अच्छा oo' का मान दिया है 2 सेंटीमीटर, चिन्ह बताइए प्लस रखेंगे कि माइनस। वस्तु को हमेशा ऐसे ऊपर साइड रखा जाता है, तो ऊपर साइड ये वाली दूरी क्या है, पॉजिटिव, इधर वाली दूरी निगेटिव है, ऐसे इधर चलेंगे तो निगेटिव, ऊपर चलेंगे तो पॉजिटिव, तो o' का मान क्या है, पॉजिटिव। भी का मान हमने यहाँ निकाल रखा है 20 सेंटीमीटर, u का मान हमने निकाल रखा है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से देखिए ii' / 2 इधर हो जाएगा, इधर 2 और 2 ये भाग में उधर जाएगा गुणा में, तो ii' इज इक्वल टू 2 × 2 यानी कि 4 सेंटीमीटर, ठीक है। i' की वैल्यू कितना गया, 4 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब सीधा बनेगा उल्टा बनेगा आप बता दीजिए। यहाँ पे देखिए b बराबर आया नेगेटिव, नेगेटिव आया तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है ना, और कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा व आभाषी। यहां से भी आप चेक कर सकते हैं ii' का मान प्लस आया है, प्लस मतलब ऊपर बनेगा, ऊपर मतलब सीधा बनेगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 को, कितना आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। आई होप क्वेश्चन आपको सब अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, कहीं से भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। करा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती रखी है, लेंस से बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति व लंबाई बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है ना, आसान आसान क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपके लेवल के हिसाब से ठीक है। अभी आप लोगों ने इतने न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में लगाए नहीं हुए हैं, तो अच्छे सवाल आपके लिए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि एक उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है बताइए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है, और आपके सवाल में कहा है उसका जो मान है वो 10 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया है, यानी कि u इज इक्वल टू कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ पे बताइए u का मान प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, माइनस लेंगे, u हमेशा नेगेटिव, इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है। और वस्तु की जो लंबाई है oo' वो कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए वस्तु की, देखिए वस्तु तो हमेशा ऊपर लिखे, oo' हमेशा पॉजिटिव होता है, ये जानते रहिए, लिख देते हैं oo' हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ii' चेंज हो सकता है, बट oo' चेंज होने वाला नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, भी का मान बताइए, भी के साथ साथ पूछ रहा है कि ii' का मान बताइए। अच्छा हम लोगों ने रिलेशन क्या पढ़ रखा है बताइए, 1/f = 1/b - 1/u, तो यहां से 1/b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f + 1/u हो जाएगा, 1/b। अब f की वैल्यू रख देते हैं, f की वैल्यू दिया हुआ है 10, u की वैल्यू कितना दिया हुआ है, -20, ठीक है ना। तो 1/b इज इक्वल टू 1/10 प्लस का गुणा माइनस में -1/20 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 1/v इज इक्वल टू 10 20 का एलसीएम लेंगे, 20 आएगा, 10 का भाग 20 में देंगे 2, 20 का भाग 1 में देंगे 1, यानी 1/v इज इक्वल टू 1/20 हो जाएगा, यानी v इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर।
बी का मान प्लस आया कि नेगेटिव माइनस आया, प्लस आया। और जब भी का मान प्लस होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा, ठीक है ना, और उल्टा बनेगा, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि आई आई डैश का मान बताइए, तो हमने रेखीय आवर्धन में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन क्या होता है बताइए, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर होता है बी के बटे यू के, ठीक है। ये पॉजिटिव, लेंस के लिए पॉजिटिव होता है जबकि दर्पण के लिए निगेटिव होता है। आई आई डैश का तो मान हमें निकालना है, ओ डैश, ओ डैश बताइए कितना है, 10 सेंटीमीटर है। बी, बी की वैल्यू हमने निकाल लिया है 20 है। यू, यू की वैल्यू कितना है, माइनस, ठीक है ना, यू, यू की वैल्यू माइनस 20 है, तो ये इससे कैंसल हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए बी की वैल्यू 20 से सही है, ठीक है। आई आई डैश क्या हो जाएगा बताइए, आई आई डैश बटे 10 बराबर हो जाएगा इधर माइनस 1, ये 10 इधर गुड़े में उधर जाएगा भाग में, तो आई आई डैश बराबर हो जाएगा माइनस 10 सेंटीमीटर। तो आई आई डैश का निगेटिव आया, और जब निगेटिव आएगा, निगेटिव आएगा, ठीक है ना, यहाँ से देखिए आई आई डैश निगेटिव, निगेटिव मतलब प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, देखिए इधर चलेंगे तभी तो निगेटिव होगा, बताइए इधर नीचे साइड चलेंगे तभी तो, ऊपर साइड प्लस नीचे साइड नेगेटिव, और नीचे साइड जब प्रतिबिंब बनता है तो क्या होता है, वास्तविक होता है, यानी आई आई डैश का मान क्या है, माइनस 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसी सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कुछ भी आपको बताने की नहीं, बस नॉर्मल सा सूत्र लगाया, रेखीय आवर्धन लगाया, सब कुछ आपका आ गया, नोट कर लीजिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का दुगुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है वो देख लीजिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 21 नंबर कि एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का दोगुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर, यानी यू का मान दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, कह रहा है कि दोगुना प्रतिबिंब बनता है, यानी ओ ओ डैश अगर एच लंबाई का होगा तो आई आई डैश कितना होगा, 2h लंबाई का होगा, बताइए ओ ओ डैश यस, तभी तो प्रतिबिंब दुगुना हुआ, ये क्या है वस्तु की लंबाई, ये क्या है प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई यस तो प्रतिबिंब की लंबाई 2h, तभी तो दुगुना होगा। अब कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ये भी ध्यान दीजिए कहा है किताब में कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक मतलब कैसा बन रहा होगा, उल्टा बन रहा होगा, ठीक है ना, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है यानी उल्टा बन रहा होगा। अब ध्यान दीजिए हमसे क्या पूछा है, लेंस की फोकस दूरी f का मान बताइए। अच्छा हमें क्या पता है, रेखीय आवर्धन पता है, हाँ पता है, रेखीय आवर्धन क्या होता है, रेखीय आवर्धन क्या होता है, आई आई डैश बटे ओ ओ डैश बराबर भी बटे यू। आई आई डैश का मान दिया है 2h, लेकिन चिन्ह लिखेंगे, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है यानी उल्टा, और उल्टा जब बन रहा होगा यानी नीचे की साइड, नीचे की साइड वाली दूरी निगेटिव होती है, यानी ये निगेटिव लेना है। ओ ओ डैश एच, ओ ओ डैश को हमेशा पॉजिटिव लेंगे, h हो जाएगा। बी, बी की वैल्यू हमें निकालना है, यू, यू की वैल्यू दिया हुआ है माइनस 15, ये माइनस इस माइनस से कैंसल, एच एच से कैंसल, 15 का गुणा इधर 2 में होगा 30, तो बी बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। देखिए बी प्लस आया कि माइनस आया, प्लस आया, प्लस आएगा तभी तो वास्तविक होगा, कहा भी है हमने सिद्ध भी कर दिया कहाँ भी प्लस है, यानी हम राइट दिशा में हैं, ठीक है ना। हमसे फोकस दूरी पूछ रहा है, तो फोकस दूरी 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u होता है, तो 1/f 1/b, बी की वैल्यू देखिए हमें पता है कितना, 30, माइनस 1/u, u की वैल्यू देखिए कितना दिया है, माइनस 15, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/30, माइनस का गुणा माइनस में प्लस, 1/15 हो जाएगा। 1/f इज इक्वल टू, देखिए एलसीएम लेंगे 30, 30 एक कम 30, 15 दूना 30, यानी 1/f की वैल्यू हो जाएगी 3/30, और यहाँ से इसे कट जाएगा, 1/f की वैल्यू हो जाएगी 1/10, यानी f की जो वैल्यू होगी 10 सेंटीमीटर। प्लस आया कि माइनस आया,
प्लस आया, यानी उत्तल लेंस की दूरी देखिए पॉजिटिव है कि नहीं है, और किताब में भी कहा है उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव हुई होती है। अगर नेगेटिव आएगा तो कहीं ना कहीं गड़बड़ आपका है, ये ध्यान दीजिएगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 21 को, नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि एक लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा तथा दोगुने आकार का बनता है, लेंस उत्तल है अथवा अवतल है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22 है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि एक लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, यानी U का मान दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर, कह रहा है कि प्रतिबिंब सीधा तथा दोगुने आकार का बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है ध्यान से समझिएगा, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा व दोगुना। अच्छा आप बताइए प्रतिबिंब सीधा कब बनता है, सीधा तब बनता है जब आभासी होगा। प्रतिबिंब सीधा तब कब बनता है, जब प्रतिबिंब कैसा बन रहा होगा, आभासी, यानी यहां जो भी प्रतिबिंब बन रहा होगा वो कैसा होगा, आभासी होगा, अर्थात प्रतिबिंब आभासी होगा। प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी होगा। समझ पाए इस बात को, नहीं पाए, आभासी होगा। अच्छा प्रतिबिंब आभासी कौन कौन बनाता है, उत्तल लेंस भी बनाता है और अवतल लेंस भी बनाता है, ठीक है ना। उत्तल लेंस भी आभासी प्रतिबिंब बनाता है, अवतल लेंस भी आभासी प्रतिबिंब बनाता है, दोनों आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है ना। लेकिन उत्तल लेंस जो आभासी प्रतिबिंब बनाता है वह वस्तु से बड़ा बनाता है, आभासी प्रतिबिंब जो बनाता है वस्तु से बड़ा बनाता है, ठीक है ना, वस्तु से बड़ा बनाता है। लेकिन अवतल लेंस जो आभासी प्रतिबिंब बनाता है वो वस्तु से छोटा बनाता है, वस्तु से छोटा बनाता है। ये सब चीजें आपने लेंस के द्वारा प्रतिबिंब के बनना में पढ़ लिए होंगे। उत्तल लेंस अवतल लेंस दोनों आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, उत्तल लेंस वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है आभासी वाले कंडीशन में, लेकिन अवतल लेंस वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है आभासी वाले कंडीशन में। इसमें तो एक ही कंडीशन है, आभासी ही है, लेकिन इसमें पांच कंडीशन में वास्तविक लेकिन एक कंडीशन में आभासी मिलता है, वो आभासी वाले कंडीशन में वस्तु से बड़ा। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है, दुगुना, यानी बड़ा बन रहा है। तो बड़ा कौन बनाएगा, उत्तल लेंस बनाएगा। देखिए आभासी प्रतिबिंब है हमें पता चल गया, कैसे, सीधा है, सीधा कहां बनता है, आभासी। तो आभासी कौन कौन बनाता है, उत्तल लेंस अवतल लेंस दोनों बनाते हैं, लेकिन उत्तल लेंस जो आभासी बनाता है वो वस्तु से बड़ा, तो प्रतिबिंब यहां वस्तु से बड़ा ही तो बन रहा है, अर्थात लेंस कैसा होगा, उत्तल लेंस होगा। बात समझ पाए कि नहीं, अर्थात उत्तल लेंस होगा। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई। अब आगे, ये तो पहला पूछा था उत्तल लेंस होगा कि अवतल लेंस होगा, अब आगे क्या कह रहा है कि लेंस की फोकस दूरी बताइए, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिए, अगर ओ डैश की दूरी h हो तो आई आई डैश भी क्या होगा, 2h होगा, क्योंकि प्रतिबिंब दुगुना बन रहा है, तो वस्तु h है, प्रतिबिंब 2h है, तो प्रतिबिंब दुगुना नहीं है, है। रेखीय आवर्धन क्या होता है बताइए, रेखीय आवर्धन होता है आई आई डैश बटे ओ ओ डैश बराबर बी के बटे यू, ठीक है ना। आई आई डैश की वैल्यू कितना है, 2h, प्लस लेंगे कि माइनस, प्लस लेंगे। अगर यहां जानते रहिए सीधा रहेगा, सीधा रहेगा प्रतिबिंब, सीधा रहेगा तो आई आई डैश प्लस लेंगे, ठीक है ना। आई आई डैश को क्या लेंगे, प्लस लेंगे। अगर प्रतिबिंब उल्टा रहेगा तब आई आई डैश को माइनस लेंगे। ये जानते रहिए, प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो आई आई डैश को प्लस, उल्टा बनेगा तो आई आई डैश को माइनस। तो यहां प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है, ठीक है ना। देखिए प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस, और ओ डैश को तो हमेशा प्लस ही लिया जाता है। बी का मान हमें नहीं दिया है, यू का मान हमें दिया है, यू का मान -15 है, एच एच से कैंसल, यानी बी बराबर 2 × -15 हो जाएगा, -15 भाग में इधर गया गुणा में, यानी बी बराबर कितना हो गया, -30 सेंटीमीटर। बी माइनस आया
माइनस मतलब आभासी है कि नहीं है, सीधा है कि नहीं है, ओके क्लियर है। अब हमें फोकस दूरी निकालना है, तो वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू होता है, वन अपॉन एफ वन अपॉन बी, बी की वैल्यू कितना है -30 है, वन अपॉन यू, यू की वैल्यू कितना है -15 है, ये माइनस इस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो वन अपॉन एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/-30 प्लस 1/15 हो जाएगा, ठीक है। तो वन अपॉन एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर 30 होगा, तो 30 एकम 30 -1 +2 हो जाएगा, ठीक है। यानी वन अपॉन एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 1/30, पलट देते हैं तो यह बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। यह बराबर क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, प्लस आया, हाँ प्लस आया, तो प्लस आया तो कैसा लेंस है, उत्तल लेंस है, तो उसकी उत्तल लेंस, उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नोट कर लीजिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, समझने लायक क्वेश्चन था। आपको प्रतिबिंब का बनना पता होगा तब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, नोट कर लिए, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस पर स्थित है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23, सरल क्वेश्चन है, एकदम आसान, इसे तो आप लोग कर लेंगे, बहुत आसानी से कर लेंगे। क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, सॉरी अवतल लेंस यहाँ कहा है, ध्यान देखिए, अवतल लेंस और अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है, यानी यहाँ -30 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है ना। क्या हमने ले लिया, -30 सेंटीमीटर फोकस पर स्थित है, और देखिए वस्तु कहाँ स्थित है, वस्तु भी फोकस पे ही स्थित है, यानी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, सॉरी वस्तु भी फोकस पे ही स्थित है, यानी यू बराबर कितना हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। अरे उसकी फोकस दूरी दिया है 30 सेंटीमीटर, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है, निगेटिव लिख दिया। अब कह रहा है फोकस पे ही स्थित है, यानी कि 30 सेंटीमीटर दूर ही स्थित है, यानी 30 सेंटीमीटर, यू तो हमेशा निगेटिव होता है, तो परमानेंट है, इसमें तो कोई संकोच ही नहीं करना है, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी वी का मान पूछ रहा है, हमें क्या रिलेशन पता है, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू होता है, तो वन अपॉन बी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ प्लस वन अपॉन यू होता है, ठीक है ना। तो वन अपॉन बी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ, एफ की वैल्यू कितना है बताइए -30 है, ठीक है, प्लस वन अपॉन यू, यू की वैल्यू कितना है -30 है, तो वन अपॉन बी इज इक्वल टू -1/30 है, प्लस का गुणा माइनस में होगा -1/30 है, 30 30 देखिए हर समान है, अंश वाले को आपस में जोड़ सकते हैं, तो -2/30 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, वन अपॉन बी बराबर -1/15 होगा, यानी बी बराबर -15 सेंटीमीटर। बी माइनस आया, माइनस आया मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा, ठीक है ना। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी व सीधा बनेगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 23 को, इजी सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस को आप धुआं धुआं कर देंगे एग्जाम में, सब करके आएंगे, कोई भी छूटने वाला नहीं है, नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, आसान क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन आपको कहीं भी तकलीफ नहीं देगा, अच्छे से समझेंगे तो सारे क्वेश्चंस को कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 देखते हैं, कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई और स्थिति ज्ञात कीजिए। चलिए कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 24 है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु है, यानी वस्तु की ऊंचाई को ओ ओ डैश से प्रदर्शित करते हैं, कितना दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है। कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होती है, तो 25 सेंटीमीटर माइनस में लिख दिया। अब कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, वस्तु कितनी दूरी पर रखी हुई है 50 सेंटीमीटर, यू तो हमेशा माइनस ही होता है। अब बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी आई आई डैश का मान बताइए, और कह रहा है स्थिति ज्ञात कीजिए, भी का मान बताइए।
तो रिलेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा है, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू पढ़ा है, तो वन अपॉन बी बराबर वन अपॉन एफ प्लस वन अपॉन यू हो जाएगा। देखिए कितने सरल, अब ऐसे सरल सभी सवाल हम लोगों ने इसी पे एलसीएम वाले पे ही सॉल्व किया, तो सबको समझाएंगे तब तो टाइम बर्बाद है ना, ये सब चीज़ें आप तो समझ जाएंगे। यह बराबर कितना है माइनस पच्चीस, यू कितना है माइनस पचास, ठीक है ना, सही है। वन अपॉन बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस एक बटा पच्चीस, प्लस का गुणा माइनस में माइनस एक के बटा पचास, ठीक है। वन अपॉन बी इज इक्वल टू पच्चीस पचास का एलसीएम पचास होगा, ठीक है, पच्चीस दूना पचास यानी माइनस दो, पचास एकम पचास यानी कि माइनस एक, यानी वन अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस तीन के बटा पचास यानी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पचास बटा तीन सेंटीमीटर। देखिए बी का मान नेगेटिव आया और नेगेटिव क्या होता है आभासी और सीधा, और आप जानते हैं अवतल लेंस हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनाता है आभासी व सीधा प्रतिबिंब ही बनाता है। ये तो भी का मान निकला, अभी हमें किसकी जरूरत है आई आई डी एस की, तो रेखीय आवर्धन से निकालेंगे। रेखीय आवर्धन क्या होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, और ये होता है भी बटे यू के बराबर। आई आई डैश निकालना है, ओ डैश की वैल्यू हमें पता है दिया हुआ है, ओ डैश हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, जानते रहे। भी की वैल्यू माइनस पचास के बटा तीन है, यू यू की वैल्यू देखिए हमें दिया हुआ है हाँ माइनस पचास है, ठीक है ना, माइनस पचास बटे एक कर सकते हैं, माइनस पचास से कैंसल, एक सबसे नीचे सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी आई आई डैश की वैल्यू हो जाएगी एक के बटे तीन, ठीक है ना। अच्छा इधर पाँच भी है, ध्यान दीजिएगा ये पाँच का इधर गुणा हो जाएगा, यानी आई आई डैश की जो वैल्यू होगी वो पाँच बटा तीन सेंटीमीटर। अच्छा प्लस में आया कि माइनस में आया, प्लस में आया, प्लस क्या बताता है बताइए, सॉरी प्लस में आया कि माइनस में आया, प्लस में। और देखिए आई आई डैश की वैल्यू अगर प्लस रहेगी तो क्या प्रतिबिंब बनेगा सीधा, आई आई डैश की वैल्यू अगर प्लस रहेगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा सीधा, अर्थात सीधा प्रतिबिंब बन रहा होगा, और यहाँ पे हमने ऑलरेडी दिखा भी दिया है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 24 को, आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें वी की वैल्यू हमारे पास जो आई है वो आई है आपका 50 बटे 3 और 5 बटे 3, ठीक है। ये माइनस केवल इतना बताता है कि जो प्रतिबिंब है वह आभासी और सीधा है और इसका कुछ भी काम नहीं है, ठीक है, नोट कर लीजिए, मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कराए कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसके एक सामने वस्तु को कितनी दूर रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है 25 नंबर वाला, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है माइनस 20 सेंटीमीटर, कहा कि उसके सामने वस्तु को कितनी दूर पर रखे कि उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बने, यानी बी बराबर 12 सेंटीमीटर। अच्छा अवतल लेंस है, अवतल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है आप बताइए, अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए बी का मान क्या लेना पड़ेगा नेगेटिव लेना पड़ेगा। बी नेगेटिव क्यों लिया समझ पाया, अवतल लेंस है, अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और आभासी प्रतिबिंब के लिए बी बराबर नेगेटिव होता है। यू का मान हमसे पूछ रहा है, तो रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा है वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू, यानी वन अपॉन यू बराबर हो जाएगा वन अपॉन, देखिए वन अपॉन यू इधर आया प्लस, वन अपॉन एफ उधर जा रहा है तो माइनस हो गया। देखिए वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन बी, बी की वैल्यू माइनस 12 माइनस वन अपॉन एफ, एफ की वैल्यू माइनस 20 हो जाएगा, यानी वन अपॉन यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 12, माइनस का गुणा माइनस में होगा प्लस, ठीक है, और 12 और 20 का एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा 60, हाँ 60, 12 पंजे 60 यानी माइनस 5, 20 तेइया 60 हो जाएगा, ठीक है ना, यानी 1 अपॉन यू की जो वैल्यू होगी माइनस 2 के बटे 60 होगी, ये इससे कैंसिल, माइनस 1 के बटा 30 होगी, पलट देते हैं तो माइनस 30 सेंटीमीटर। हमने आपको बताया है यू की वैल्यू हमेशा माइनस में आती है, ठीक है ना, तो यू बराबर कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 25 को, नोट कर लीजिए आसान सा क्वेश्चन है,
नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, उसके सामने एक वस्तु को कहाँ रखें, ठीक है ना, कि उसका प्रतिबिंब उसका आधा बने, ठीक है ना, प्रतिबिंब आधा बने। ठीक है, ऐसे सवाल आप लोगों ने लगा लिए हैं। अब ऐसे सवालों को सॉल्व करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26 कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा निगेटिव होती है, ले लिया। अब कह रहा है कि उसके सामने एक वस्तु को कहाँ पर रखे कि प्रतिबिंब उसका आधा बने, यानी अगर ओ ओ डैश की लंबाई h है तो जो प्रतिबिंब है आई आई डैश वो h बटे 2 होना चाहिए, तभी तो इसका आधा होगा ये, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ प्रतिबिंब अवतल लेंस है, प्रतिबिंब कैसा बनाएगा, आभासी बनाएगा, और आभासी प्रतिबिंब के लिए अर्थात सीधा, और सीधा के लिए आई आई डैश का मान क्या होता है, प्लस होता है। ओ डैश तो हमेशा प्लस लेना है, लेकिन आई आई डैश भी यहाँ प्लस होगा, क्यों, क्योंकि अवतल लेंस है और अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आभासी मतलब सीधा, आभासी मतलब सीधा, और सीधा के लिए, सीधा के लिए आई आई डैश क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए प्लस ले लिया। अब क्या कह रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है कि उसके सामने वस्तु कहाँ रखें, यू का मान पूछ रहा है, यू का मान पूछ रहा है। ध्यान से समझिएगा, रेखीय आवर्धन हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, आई आई डैश बटे ओ ओ डैश बराबर बी के बटे यू होता है। आई आई डैश की वैल्यू कितना है, एच बटे 2। ओ डैश की वैल्यू कितना है, एच है। बी की वैल्यू हमें नहीं पता है, यू की वैल्यू भी हमें नहीं पता है, एच एच से कैंसल, यानी एक के बट्टे 2 बराबर बी के बट्टे यू हो जाएगा। तिरेक गुणा करा देते हैं तो यू का गुणा एक में होगा यू हो जाएगा, 2 का गुणा बी में होगा तो 2 बी हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 कर देते हैं। अब रिलेशन हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, रिलेशन हम लोगों ने पढ़ रखा है कि 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू। अब सबका मान रखते हैं, 1 अपॉन एफ, एफ की वैल्यू कितना है, माइनस 40 है। 1 अपॉन बी, बी की वैल्यू हमें नहीं पता है। 1 अपॉन यू, यू की वैल्यू देखिए 2 भी है तो 2 भी लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ से माइनस 1 के बट्टा 40 हो जाएगा, इधर एलसीएम लेंगे 2 भी हो जाएगा, बी का भाग बी में देंगे तो 2 बार जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस 1 के बट्टा 40 इज इक्वल टू 1 के बट्टा 2 भी हो जाएगा। अब तिरेक गुणा करा देते हैं, तिरेक गुणा कराएंगे तो 2 बी का गुणा 1 में होगा 2 बी, 40 का गुणा 1 में होगा 40, लेकिन यहाँ पे माइनस 40 हो जाएगा। ये 2 इधर गुणे में उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी कि माइनस 40 बट्टे 2 होगा, यानी बी इज इक्वल टू माइनस 20 सेंटीमीटर। यानी जो बी आया वो माइनस में आया, माइनस में आएगा यानी आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, ठीक है ना। और आप जानते हैं जो अवतल लेंस होता है वो प्रतिबिंब आभासी और सीधा ही बनाता है, लेकिन हमें मान किसका पूछा है, यू का, तो यू बराबर होता है माइनस 2 भी, ठीक है, तो यू बराबर माइनस 2 गुड़े बी, सॉरी ठीक है 2 भी है ना, तो 2 गुड़े भी, भी का वैल्यू कितना दिया है, माइनस 20, ठीक है। तो u बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 40 सेंटीमीटर। हमने आपको बताया u हमेशा माइनस होता है, तो माइनस हटा सकते हैं, u बराबर कितना आया, 40 सेंटीमीटर। ये तो चिन्ह है ना, माइनस बताता है यानी कि इस लेंस के इस साइड रखी हुई है वस्तु, ठीक है ना, उसका डायरेक्शन शो करता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 है, नोट कर लीजिए, आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बताइए। प्रतिबिंब की स्थिति यानी भी का मान, प्रकृति यानी वास्तविक है कि आभासी है, ये बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है। फिर कह रहा है 10 सेंटीमीटर दूर रखी है, यू का मान हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, तो 10 सेंटीमीटर भी का मान पूछ रहा है। तो बताइए 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू होता है, ये रिलेशन हमें पता है, क्या हो जाएगा, वैल्यू रखिए, नहीं एक बार इधर देखिए, हमें मान किसका निकालना है, बी का, तो माइनस 1 अपॉन यू इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर केवल 1 अपॉन बी बचेगा, इधर क्या हो जाएगा 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन यू। अब ऐसे रिलेशन को बहुत बार सॉल्व कर लिया है, बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है,
यह बराबर क्या है माइनस 15 प्लस 1 अपॉन यू, यू का मान कितना है माइनस 10, प्लस का गुणा माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस 1 के बटा 15 माइनस 1 के बटा 10, ठीक है ना। 1 अपॉन बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, 10 का एलसीएम 30, 15 दूना माइनस 2, 10 तेइया, ठीक है माइनस 3 हो जाएगा, यानी 1 अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस 5 के बट्टे 3 हो जाएगा। देखिए जुड़ जाएंगे, ठीक है ना, ये इससे कैंसिल, 1 अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस 1 के बट्टा 6 हो जाएगा, यानी बी बराबर माइनस 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। माइनस क्या बता रहा है, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। देखिए हमने बताया है अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, सीधा बनाता है, वस्तु से छोटा बनाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये माइनस आप हटा भी सकते हैं, यानी कि जो प्रतिबिंब की दूरी होगी लेंस से वो 6 सेंटीमीटर होगी। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 27 को, कितना आसान सा क्वेश्चन है, नोट करिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 को। क्वेश्चन नंबर 28 करा है कि एक लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन दिया हुआ है, यानी प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई दिया हुआ है, ठीक है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि एक लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर रखी, यानी U का मान दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और U हमेशा निगेटिव लिया जाता है। अब कह रहा है कि आवर्धन, आवर्धन क्या होता है बताइए, आवर्धन को M से प्रदर्शित करते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, ठीक है ना। और ये कितना दिया है प्लस 0.5, ठीक है ना। अब कह रहा है लेंस की फोकस दूरी बताइए, F का मान बताना है। कितना सरल क्वेश्चन है, देखिए रेखीय आवर्धन हमें क्या पता है, आई आई डैश बटे ओ ओ डैश बराबर होता है बी के बटे यू। आई आई डैश बटे ओ डैश की वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.5, बी की वैल्यू नहीं पता है, यू की वैल्यू नहीं पता है, तो बी बराबर हो जाएगा 0.5 यू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ऐसा थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं आसान करने के लिए, 10 बी बराबर हो जाएगा 5 यू, ठीक है ना। 10 बी बराबर हो जाएगा 5 यू, या फिर देखिए ध्यान से समझिएगा, ये बी बराबर हो जाएगा 10 का दोनों साइड गुणा करा दिए, 10 का इधर गुणा करा दिए, 10 का इधर गुणा करिए, 10 मतलब हट जाएगा तो 5 भी हो जाएगा, यानी 5 यू के बटे हो जाएगा 10, यानी 5 दूनी 10, यानी बी बराबर हो जाएगा यू के बटे 2, और ये 2 भाग में इधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, यानी यू बराबर हो जाएगा 2 भी, ठीक है। U की वैल्यू कितनी आ गई 2 भी। अब रिलेशन हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन B लेंस के लिए माइनस 1 अपॉन U होता है, तो 1 अपॉन F 1 अपॉन B रहने देते हैं, U U की वैल्यू कितना है 1 अपॉन 2 भी। अच्छा फोकस दूरी भी दिया हुआ है, अच्छा U की तो वैल्यू दिया हुआ है यार, हमसे फोकस दूरी पूछ रहा है ना, थोड़ा देखे तो U की वैल्यू तो ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है ना। देखिए u की वैल्यू दे रखा है तो b बराबर कितना हो जाएगा बताइए, u u का मान कितना दिया है माइनस 20 के बट्टे 2, ये इससे कैंसिल हुआ, यानी b इज इक्वल टू हमारे पास कितना गया माइनस 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। डायरेक्ट दिया था, यहीं रह सकते थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी, इतना काम ताम जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है चलिए सॉल्व कर दें तो कोई बात नहीं। रिलेशन क्या बचेगा, 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन u, ठीक है। तो 1 अपॉन b हमें फोकस दूरी निकालना है, फोकस दूरी निकालना है, तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन बी माइनस 10, माइनस 1 अपॉन यू माइनस 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू माइनस 1 के बटा 10 प्लस 1 के बटा 20 हो जाएगा, यानी 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे 20, 10 दूना 20 प्लस 1 हो जाएगा, यानी 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू माइनस 1 के बटा 20 हो जाएगा, यानी एफ इज इक्वल टू माइनस 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी आ गई माइनस, माइनस क्या बता रहा है, किसकी फोकस दूरी निगेटिव होती है अवतल लेंस, और ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेंस कैसा है, अवतल लेंस है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 28 को, आसान सा क्वेश्चन है, ये इतना करने की जरूरत नहीं है, U का मान दिया है ना डायरेक्ट यहाँ रखिए, इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन कराइए, रिजल्ट आ जाएगा अभी का, और क्या हमने ध्यान नहीं दिया है, ठीक है ना। U का मान यहाँ रखिए, डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लीकेशन कराइए, या फिर यही U का मान रख दीजिए आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, लेकिन इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो लेंस की क्षमता पर आधारित है, तो इन क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ऑलरेडी एक जो वीडियो है काफ़ी लंबी हो चुकी है, लगभग 1 घंटे का वीडियो हो चुका है,
तो अपलोड करने में काफ़ी दिक्कत होती है, इसलिए हम लोग आगे के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आज की ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के न्यूमेरिकल के साथ, तब तक बेस्ट ऑफ लक।